अनदर डे अनदर मॉर्निंग असल कैसे आप सब लोग आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में खुश होंगे एंड अ वेरी गुड कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग इफ आई डोंट गेट अ गुड कप ऑफ टी तो फिर मुझे तो ऐसे होता है बस मुझे ऐसी क्रेविंग होती है ना अच्छी चाय एंड देन द होल डे विल बी इन हेवन इन ऐसे ही चले हमेशा अमीन सो ब्रेकफास्ट के लिए इट्स वेरी इजी बॉइल्ड एग सम बटर एंड कभी 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 तो चीट कर सकते हैं हम चीट डे भी होना चाहिए लाइफ में खैर मुझे तो डाइटिंग का इतना कोई शौक़ नहीं है बट आई डू टेक फाइव मील्स इन अ डे हेल्दी मील्स जिसमें एक चीट आप कर सकते हैं आई एम मेकिंग मैंगो कस्टर्ड अलोंग विथ यम यम मैंगोस क्योंकि सीजनल फ्रूट एंड मैंगोज़ का तो आज क्या क्या नहीं बन सकता आज कल तो हम लोग कभी केक्स बना रहे होते हैं एंड देन समाइम्स वी आर हाँ मैंने एक दफ़ा देखा था एक केक जो कि फुल ऑफ मैंगो था और वह इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ था आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दैट बट टूडे वी आर मेकिंग दिस विथ सम मैंगज यम यम ये बच्चों के लिए बना लो तो फिर बच्चे जो है ना बड़े ईजिली आराम से खा लेते हैं और इतना हैसल नहीं होता और प्रेजेंटेशन के लिए ज़रा थोड़ा सा काम करना पड़ता है अगर प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो नॉट ओनली बुरहान इनफैक्ट फ़िज़ान भी उन दोनों को ये होता है कि खाना अच्छा नहीं है वी हैव टू सी फर्स्ट उनको हमेशा या तो बचपन से आदत ऐसी है, है कि मैं बचपन से ऐसे दिखाती हूँ तो ये वाला खाना देखो कितना यमी है एंड आई डू प्ले विद फूड मैं कुछ भी करके उन कोशिश करती हूँ कि उनके अंदर वेजिटेबल्स uh, भी जाएँ फ्रूट्स भी जाएँ डेयरी प्रोडक्ट्स भी जाएँ जिसमें चीज़ एंड योगर्ट एग दूध खैर दूध तो हम सब बहुत पीते हैं माशाल्लाह। तो यमी सा डिज़र्ट तैयार हो गया अब हम यही सोच रहे थे आज अच्छा क्या करना है तो हमने थोड़ा सा चाइनीज़ ऑर्डर किया था बिकॉज माय फ़िज़ान इज़ अ बिग फैन ऑफ चाइनीज़ और बुरहान को इतना चाइनीज़ का कोई शौक़ नहीं है सो आई ऑर्डर आमंड चिकन विद समीज़ लाइक बड़े मज़े के नूडल्स बने हुए थे और सबसे अच्छी चीज़ें फ्रेश उसी टाइम आई थिंक मैंने प्रीवियस व्लॉग काफ़ी हैं जिसमें मैंने बहुत दफ़ा इनका जिक्र किया सो इलाची दे आर सो अमेजिंग इन फ्रंट ऑफ यू दे कुकिंग एंड फ्रेश एवरी थिंग इज फ्रेश इवन द वेजिटेबल्स दियर कटिंग और सब और बड़ी सफाई के साथ तो हाइजीन भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वो जिस तरह से कर रहे होते हैं आई रियली अप्रीशिएट दैम तो जी एक चाइनीज़ हमने मंगा लिया था और आज हमने जाना है वी हैव टू बाय केक एंड फ्लावर्स एंड सम गिफ्ट्स फॉर डैडी और ज़ाहिर मेरे फादर का भी फादर डे है मेरे बच्चों के अबू का भी फादर डे है तो दोनों फादर्स को भाई हैप्पी अब फा, फैक्ट सब फादर्स को हैप्पी फादर्स डे क्योंकि इनके साथ बहा ही बहारें हैं इनके ही खुशियाँ हैं यही हैं हमारे लिए सब कुछ तो इनकी जितनी हम रिस्पेक्ट करें हम तो ट्वेंटी फोर सेवन घर पर जो काम करते हैं वो तो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं बट द वे दे गो एंड अर्न फॉर अस एंड ब्रिंग आर ब्रेड एंड बटर सो इट्स वेरी important टू appreciate और अप्रिसिएशन इसी तरह हो सकती है कि आप कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ ले कर आएँ तो अब मैं यहाँ आई हूँ यहाँ पे तो मुझे खैर बेनज़ीर कुल्फ़ा नज़र आ जाए तो मैं तो कभी घर नहीं जाने वाली स्पेशली जब बड़े बच्चे घर पे हो वैसे ये खाते ही नहीं अगर मैं उनके साथ भी आऊँ तो वो खाएंगे नहीं तो मैं उससे यही पूछ रही थी कि अच्छा सा बुके साथ बना दें मज़ेदार से फ़्लावर्स डाल के उसमें तो वो ज़बरदस्त सा उसमें बड़ा ही अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स विद वाइट एंड रेड एंड पिंक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त था और साथ में अपना कुल्फा इंजॉय कर रही हूँ और मुझे यही हो रहा है कि एक यमी सा कुल्फ़ा खा लूँ फिर फ्लार हो जाए और फिर मैं घर जाऊँ और केक कटिंग सरमनी हो बच्चे तैयार हों अपने ग्रैंड फादर के साथ बैठे और इन्जॉय करें उनको गिफ्ट दें उनको पता चले कि यू आर सो स्पेशल फॉर अस नॉट फॉर ओनली मी बट बच्चों के जो ये दादा दादी नाना ना, नानी वाला रिश्ता होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आई स्टिल रिमेंबर माई डेज विद माई ग्रैंड पेरेंट्स तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे वैसा ही करें तो बस इस तरह से फिर थोड़ा सा हम वेदर को भी इंजॉय करते हुए जा रहे हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा हो तो फिर अच्छा लगता है मज़े का एक अच्छे गाने सुन लो और कुछ अच्छा सा रिफ़्रेशिंग सा खा लो और साथ में आप प्लान भी कर लो रूटीन का कि क्या करना है तो आज बच्चों से मेरा प्रॉमिस था कि मैं आप लोग को किचन को ले जाऊंगी क्योंकि आज मैं इनको वीकेंड पे हमेशा सबको पता है मैं इनको आइसक्रीम परमिट करती हूँ दे डू ईट आइसक्रीम सो आई एम गोइंग टू बाई आइसक्रीम फॉर देम पहले घर पर सेलिब्रेशन के बाद हम लोग जाएंगे एंड दिस इज फॉर माई हजबेंड फ्रॉम किड्स बच्चा पार्टी की तरफ से बेस्ट डैड एंड ट्रस्ट मी ही इज अ बेस्ट डैड ये हम लोग ने लिया था व्हेन वी वेंट टू लपीता रिजॉर्ट एंड फ्रॉम देयर बॉलीवुड थीम से हमने ये लिया था आई स्टिल रिमेम्बर और वहीं पर एक जो है मॉल था और वहाँ पे आउटलेट मॉल था देन आई बॉट दिस अरमानी शर्ट फॉर हेम एंड अनदर शर्ट आई बॉट फ्यू डेज़ बैक एक मग मैंने बनवाया और इस तरह से बच्चों की पिक्चर्स के साथ और ये बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया और माशाल्लाह से अब ये जब पहना जाएगा और बच्चे जो हैं डैडी को भेजेंगे तो वो चीज़ ही डिफ़रेंट होगी वो पेन के ही बताएंगे कि कैसी लगी उनको ये चीज़ें एंड आई होप उनको पता है मेरी चॉइस अच्छी है तो वो पसंद ही करते हैं हमेशा तो ये बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं इनके साथ बड़ा प्यार होता है और बड़ी अटैचमेंट होती है बड़ा यू you नो know, मैं तो सेंटिमेंटली बातें करना शुरू हो गई होगी खैर और करनी भी चाहिए क्योंकि ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं तो ये है हमारी थोड़ी सी सेलिब्रेशन जो हम कर रहे हैं जिसमें हमने बड़े मज़ेदार खुशबूदार प्यारे से फ्लावर्स रखे हैं और जी हम केक कटिंग सरमनी करेंगे सम गुड कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी और साथ में ये देखें कितने खूबसूरत हैं देखें अल्लाह की कुदरत है इतने ख़ूबसूरत फ्लावर्स तो इसके बाद बस अब मैंने यही सोचा कि बच्चों की ख्वाहिश है कि उनको जाना है तो उनको लेके जाना चाहिए मैं उनको लेके जाऊंगी बाहर ताकि जो बच्चे हैं वो कभी ये ना कहें ममा आप हमें पूरे फुल वीक नहीं कहीं ले जाती क्योंकि फुल वीक इज़ फॉर स्टडीज़ कभी मैं डिक्टेशन ले रही होती हूँ तो कभी रीडिंग हो रही होती है और कभी कुछ तो बच्चों का तो हक बनता है अब तो खैर इट्स वेरी रेयर दैट आई एम टेकिंग दैम ओनली इन वीकेंड्स वरना हमेशा होता था ऑल्टरनेट डेज आई यूज़ टू टेक देम समवेयर जहाँ भी इंजॉय करें जैसे इंडोर एक्टिविटीज़ होती थी यू कैन बाई टिकट्स एंड कभी आप किसी प्ले एरिया चले जाते थे बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है सो अल्लाह खैर करे सब कुछ ठीक हो जाए एंड बच्चों को थोड़ा सा जो है कि मैं ले आई हूँ तो फैज़ान इज़ रियली हिज़ आइसक्रीम सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट और पाकिस्तान में आके फ्रंट सीट पे बैठने का एक बड़ा मज़ा होता है क्योंकि वहाँ जब बैठने को नहीं मिलता तो यहाँ तो हम बिठा देते हैं अगर ये आई मेक श्योर के पीछे से मैंने हाथ पकड़ा होता है या कुछ ना कुछ हो रहा होता है और बेल्ट पहनने की वो हो रही होती है कि फैज़ान पहन लो गॉड फॉर बिट कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो तो जी ये था छोटा सा प्यारा सा हमारा व्लॉग आई होप यू विल लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू गिव मी अ लाइक and keep me and my family in your dua. You guys are always in my dua. Trust me. But ये मैं आई थी थोड़ी सी shirts देखी हैं मैंने यहाँ pe I really liked it. But मेरा size यहाँ pe नहीं था क्योंकि सब extra small रह चुके हैं और अब मैंने उसको ऑर्डर कर दिया कि मुझे मीडियम मंगा दो अगर वो मुझे मंगा दो और टॉयलेट से मैंने बड़ी ज़बरदस्ती बच्चों की जो है स्लाइम ली है. एंड आई रियली लाइक इट क्योंकि इसमें बच्चों के फेवरेट टॉयज में ये कैरेक्टर्स हैं तो ये फिगर्स जो है ये लेके जाऊंगी तो बच्चों को पसंद आएंगे तो ये म, मैंने उनके लिए किया है और सब जो कुछ टी सी एस कराना था वो भी कर दिया है तो ऑलमोस्ट ऑल माई वीक एंड लाइक सारा काम ग्रोसरीज लॉन्ड्री सेब्रेशन बच्चों की ख्वाहिशात एवरी थिंग इज़ अलहमदिल्ला डन सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़